नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर बाईसी। बाईसी अनुमंडल मुख्यालय प्रखंड के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक डंगड़ा में दो मृतक के खाते में नगद राशि जमा कर उसी दिन पूरी राशि निकासी करने का मामला प्रकाश में आया है। खुलासा तब हुआ जब मृतक के परिजन पासबुक अपडेट कराने बैंक पहुँचे। लोगों ने बैंक के विरुद्ध कार्रवाई एवं जाँच करने की मांग की। मामला मृतक सब्बीर एवं आरिफ के परिजन बैंक आए और पासबुक अपडेट किया तो हैरान रह गए। सब्बीर की मौत को 1.5 वर्ष से अधिक हो गए, जबकि उसके खाते में मरने के 1.5 वर्ष बाद 24 मार्च 2022 को 88,000 रुपया नगद कैश जमा हुआ और उसी दिन 88,000 रुपये की निकासी भी कर ली गई। इसी तरह दूसरा मामला मोहम्मद आरिफ का है। उसके परिजन ने बताया कि मोहम्मद आरिफ के मौत के 2 वर्ष बीत गए हैं। मंगलवार को बैंक का खाता बंद कराने आए तो पता चला कि उसके खाते में 11 मार्च 2022 को मरने के 2 वर्ष बाद 82,000 नगद जमा कर निकासी कर ली गई है। इस तरह की घटना की जानकारी होते ही गांव के करीब 1 दर्जन से अधिक लोग बैंक पहुंचे। उन लोगों ने भी जानकारी ली तो पता चला कि दर्जनों लोग लोन खाते में जनवरी से मार्च तक बिना खाता धारक की जानकारी के राशि डालकर निकासी की गई है। इसके बाद लोगों ने बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम से मामले की जांच करते हुए दोषी बैंक कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। वह ग्रामीणों ने बताया कि सभी ग्रामीण एकजुट होकर आवेदन बना रहे एवं मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के पास आवेदन देंगे। उधर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक डंगड़ा बैंक शाखा प्रबंधक संदीप कुमार ने कहा कि बैंक के नियम अनुसार बैंक खाता में रुपया डालकर बैंक निकाल लेती है ताकि खाता अपडेट होता रहे, जिसके लिए खाता धारकों की अनुमति लेनी होती है। उन्होंने कहा कि अगर बिना जानकारी का ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। नेशनल डिप्लोमा 2027 है, मामले की जाँच की जाएगी। कितने रुपए का किया आपके साथ? तो 35,000। आप केसीसी लिए थे? 35,000। हाँ, 35,000 लिए थे। हाँ, अभी कितना करके रखा है? अलाम 80,000 है। 80,000 कर दिया। हाँ, आपका घर कहाँ है? पुराने गंज। क्या आपको ये बुलाया था जब इसमें 80,000 किया था? क्या निकाले? नहीं, नहीं आए थे। नहीं 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 आए थे। आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? तासुना। लोन ले 35,000 का, बगैर पूछा बढ़ा दिया, 82,000 कर दिया। हम नहीं आए थे। आपको कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं, हमको कोई खबर नहीं। जो लोन लिए थे उसका कभी ईएमआई रुपया जमा किए हैं बदले में? जमा है, वो जो नोटबंदी हुआ तब 6,000 तो आया इसी खाता में, 6,000 भी काट दिया, उसमें और भी पैसा जमा किए थे हम। जमा किए? हाँ, जमा था 15,000 पहले कटा था उसमें वही खाता में, वो भी टका नहीं मिला। आप अभी क्या कहना चाहते हैं, क्या आपका आरोप है उसके प्रति? आरोप है ये जो हम देने नहीं पाए, कहे इतना लोप किया जेगर में, हमको पूछा हुआ किया हो, हम आए नहीं, बुलाया नहीं बैंक में। नोटिस किया था आपको? नहीं, नोटिस नहीं किया था। अभी नोटिस? कभी नहीं नोटिस किया था। क्या नाम है आपका? सारुल। कहाँ घर? घर पूर्णागंज। कौन बैंक में था आपका खाता? ये मतलब क्या ग्रामीण में है ना, लिए थे और अभी कितना बना के रखा? 50,000 लिए थे और 35,000 हाथ में है और अभी 80,000 बना लिया है और पुरानेगंज से आए हैं। इससे पहले कभी जमा किए हैं रुपया लोन लेने? 4,000 जमा किए हैं। आप जब ये आपका बढ़ाया था, क्या आपको सूचना दिया था बैंक वाला? नहीं, कोई सूचना नहीं दिया? नहीं, 10,000 रुपया दिया, वो पैसा दलाल और मैनेजर सब ले लिया। क्या आपके साथ क्या समस्या हुआ बैंक में? मेरा साथ समस्या है बैंक में यही बात, हम 50,000 का लोन लिए हैं और हमको 20,000 रुपया दिया, वो पैसा हमको नहीं दिया और अभी नहीं दिया और अभी जो है मेरा हम पर नोटिस किया तो मेरा पास जो है 70,000 रुपया मांगता था। 70,000 मांग रहा है? 70,000 मांगता है। हम लोग 20,000 लिए हैं। आप केसीसी लोन लिए थे? केसीसी। आपका क्यों नहीं मिला? नहीं मिला ये कभी। हम बैंक मिलने आए थे? नहीं, वो वाला मैनेजर से नहीं मिलने आए, ये वाला मैनेजर नोटिस किया तब हम आए हैं उस दिन। कहाँ से आए? सोनापुर पुरानागंज पंचायत। मैं ग्राम पंचायत पुराना गंज से हूँ। एक व्यक्ति है साबित जो इस बैंक जो है उत्तर ग्रामीण बिहार बैंक का वो लोन लिया था, लोन धारी है, तो वो आज से 1.5 साल पहले उसका डेथ हो चुका है। लेकिन अभी मैं उसका खाता में देख रहा हूँ जो 24 तारीख को उसका पैसा रिन्यूबल भी हुआ और निकासी भी हुआ है। इससे हम लोग काफ़ी चिंतित हैं, जो आदमी जब डेथ कर गया तो किस रास्ते से आकर के वो बैंक में आकर के वो फिर सिग्नेचर किया और निकासी भी किया और कैश लेकर के फिर चला गया। वो हम शाखा प्रबंधक से ये चीज़ जानना चाहते हैं। इतने सारे लोगों का समस्या आ रहा है, सिर्फ आपका नहीं है, इस पर क्या आप लोग का मांग है? हम लोगों का कहना है जो मीडिया कर्मी के जरिए से जो शाखा प्रबंधक जो है उससे पूछा जाए, जो इतना आदमी जो डेथ कर गया है ये किस
कौन डेट में और ये जो मरे हुए आदमी किस रात को आता है, कौन सी चांदनी रात में आकर के उसको सिग्नेचर करके दे के चले गए और पैसा भी जमा कर लिए, फिर कुछ पैसा निकासी करके भी चले गए। हम लोग तो आज तक नहीं सुने थे जो दो आदमी डेथ कर गया फिर वो बैंक पे आते हैं। इसके बारे में आप बता रहे हैं, उसका मरने का कितना दिन हुआ? जी उसका मरने का मोटा मोटी 1.5 साल हो गया सर। उसका खाता में क्रेडिट और डेबिट दोनों हो रहा है? दोनों क्रेडिट और डेबिट दोनों हो रहा है सर। साबित नाम है इसका मन्नू, पिता मन्नू है। जो इसका घर इसका पुराना गंज है, वार्ड नंबर 10 में इसका घर है सर। और इसका जो 24/3/2022 को ये क्या करते हैं, जो इसका 88,000 रुपया ये जमा करते हैं, ठीक है सर। फिर 87,167 रुपया फिर ये निकासी कर लेते हैं, जो 1.5 साल पहले डेथ कर चुके हैं। बहुत चिंता का विषय है जो हमारे हिंदुस्तान में डेथ किए हुए भी लोग बैंक पे आते हैं, पैसा भी जमा करते हैं, फिर निकासी करके फिर अपना कब्रिस्तान चले जाते हैं। कौन सी पैसा है? जी ये आपका लोन है, किसान लोन है, KCC लोन है, जो इन्होंने लोन उठाया था और लोन उठाने के बाद जो क्रेडिट होता था इसके साथ, लेकिन जब 1.5 साल पहले डेथ कर गया, ये 24 तारीख का जो है ये रिन्यूअल भी हुआ है, पैसा भी जमा किया है और फिर पैसा भी निकासी कर लिया। चिंता का काफ़ी विषय है। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जो भोचर दिखा है और शाखा प्रबंधक से आप लोग पूछें ये कौन सी रात थी जो मरे हुए अभी आदमी बैंक पे आपका उत्तर ग्रामीण बिहार बैंक में आया और पैसा भी जमा किया और निकासी करके चला गया। मरे हुए उसको 2 से 2.5 साल हो गया है, वो फिर कब्रिस्तान से आते हैं, निकासी करते हैं, फिर जमा भी करते हैं। तो क्या मरे हुए आदमी कब्रिस्तान से उठ के आया था जमा करने के लिए, निकासी करने के लिए? हम लोग को बेगर पार्टी को पूछे हुए साइन छाप कुछ नहीं किया है, पैसा वो जमा भी कर रहा है और निकासी भी कर रहा, मेरे साले के साथ भी और मेरा बीवी के साथ में भी। कौन सा बैंक में ये घटना घटी? ये डंगड़ा APGP बैंक में, उत्तर बिहार ग्रामीण। साला का क्या नाम बताया? मोहम्मद आरिफ। आपकी बीवी का नाम क्या? जिसका रुबेदा खातून। आपका? मेरा मोहम्मद शकील। इसकी सूचना शाखा प्रबंधक को दिए आपने? नहीं दिए नहीं, हम लोग को पता नहीं था, हम लोग को आज पता हुआ। इसकी सूचना हम लोग देंगे, पता पड़ता आपको देंगे हम लोग कि हम लोग के साथ में ऐसा गलत किया, क्यों बगैर पार्टी को पूछे हुए आए हुए। बताइए कि इस उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में खाता लगभग खोलने की काफ़ी दिन हो चुकी है और जो जिसके नाम से अकाउंट है वो फिलहाल हमारे अभी वो विदेश में रह रहे हैं, मतलब सऊदी अरब में रह रहे हैं। तो अगर जब बंदा यहाँ है ही नहीं तो उसका अकाउंट में पैसा जमा भी होता है और जमा होने के बाद आपको बता रहे हैं कि जमा हो रहा है 24/3/2022 को। कौन सा राशि जमा हो रही है? है ना, ये राशि जो है मतलब लोन की है ना, जमा राशि जमा भी हो रही है 24/3/2022 को और ये राशि जा करके 24/3/2022 को ही भी निकाल ली जाती है। आखिर ये किस माध्यम से निकाला गया, हम ये पूछना चाहते हैं शाखा प्रबंधन आप लोगों के द्वारा कि आखिर ये कौन सा सिस्टम है जो वो बंदा विदेश में रहकर भी की भी पास। ये कहा जा सकता है कि प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जा रहा बैंक में, ऐसा हम भी कर सकता है? अगर मान ले सेविंग बैंक है जी, सेविंग अकाउंट है, उससे भी ऐसा कर सकता है वो? हाँ कर सकता है, अब तो हमें विश्वास हो गया कि आप आसानी से भी कोई बंदा रहे ना रहे मरे हुए इंसान को भी आप जीवित कहला सकते हैं, इस उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा आप जीवित कहला सकते हैं। क्योंकि जब मरे हुए इंसान का पैसा अगर आसानी से जमा हो सकता है, निकाला भी जा सकता है, तो मुमकिन है। उत्तर क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुमताज आलम, पुरानागंज पंचायत। इस तरह का मामला आया है कि कुछ लोगों का रिन्यूअल किया गया है लेकिन उनको कोई सूचना ही नहीं मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? रिन्यूअल किया गया है तो हम लोग अगर कोई डेथ कर जाता है या कोई नहीं पाया जाता तो हम लोग फैमिली मेंबर से सहमति लेते हैं, बीवी बच्चा बेटी दोनों जो किसी से भी। लेकिन यहाँ लगभग 10 से 15 कस्टमर आपके ऐसे हैं लोन खाते के जिनके फैमिली मेंबर का कहना है कि कोई सूचना उनको नहीं मिली है, बस रिन्यूअल कर दिया गया। ठीक है, इस बारे में पूछ लेंगे स्टाफ से, जो स्टाफ मिल जाता है उसे पूछ लिया जाएगा। लेकिन अगर बैंक रिन्यूअल हुआ भी है तो सेम अमाउंट हुआ है, पार्टी का 1 रुपया भी जो है डिफरेंस नहीं हुआ है। अगर 80 में रिन्यूअल है तो 80 जमा से निकासी हुआ है, 90 में या 1 लाख में तो 1 लाख जमा 1 लाख निकासी हुआ है, इसमें डिफरेंस 1 रुपया नहीं है कि पार्टी को नुकसान हुआ है 1 रुपया का। 10 साल से लोन अमाउंट आपके अकाउंट बैंक से चल रहा है, उसका सिविल खराब हो चुका है, वो ईएमआई नहीं भरा, तो आप लोग नोटिस करना चाहिए, नोटिस है या फिर 3 साल बाद उसको रिन्यूअल करना? सिस्टम ब्याज कंप्यूटर मारता है, हम लोग से उसको प्रोसेस में बंद करते हैं या खोलते हैं या जमा लेते हैं निकासी करते हैं, सिस्टम ब्याज कंप्यूटर में आता है और 10 साल में कंप्यूटर में ब्याज मार के 35-88 हो गया है। इसमें हम कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसको रिन्यूअल किया है, 35-88 मैंने नहीं किया है, वो कंप्यूटराइज किया है ब्याज मार के। अच्छा, इससे तो साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि आपके बैंक कर्मी जो भी फील्ड ऑफिसर हैं वो क्षेत्र में नहीं जाते हैं, जिसके कारण मृतक खाता धारकों का भी अमाउंट अपडेट हो जा रहा है और लोन अमाउंट भी बढ़ रहा है।
आपने लोन अमाउंट ऑलरेडी बढ़ावा है 86,000 या 83,000 बराबर नहीं है, लोन अमाउंट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, बस सहमति किस पटे से छूट गया होगा तो वो आगे से ध्यान रखा जाएगा। ऐसे एक दर्जन से अधिक खाताधारी आपके बैंक के नीचे हैं जिनका आरोप है, उनको जानकारी तक नहीं है, कोई बात नहीं तो ठीक है। आगे से जो है जो ऑफिसर से मिल लिखे कंफर्म कर जाए कि आगे से आपको हर पार्टी से मिलना ही मिलना है, अब मिलके सहमति लेके ही काम करना है। सर में एक सवाल और आ रहा है कि यदि किसी कस्टमर का वो जिंदा नहीं है फिर भी अगर विड्रॉल हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है, दोनों हो रहा है, तो ऐसा है कि प्राइवेसी कितना आपका बैंक का लोन खाता धारक या बचत खाता धारक नहीं पहुंचता उसका अकाउंट से कुछ भी नहीं होना चाहिए निकासी विड्रॉल, लेकिन आपका बैंक में हुआ तो प्राइवेसी कैसा रहा? तो स्टाफ फिर जा रहा है ना, वो नहीं है बैंक की स्टाफ की कमी है, फिर जा रहा है, और वो मर गया तो उसके पत्नी से हम लोग इसका नाम जोड़ के या बीबी का या बेटा का काम किया जाता है, ऐसा बात नहीं है कि कुछ छूट गया है तो वो चीज़ आगे से हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, लेकिन इंटरेस्ट कंप्यूटर मारता है 85-88 कंप्यूटर किया है, जमा निकासी बैंक का कुछ किया है 1 रुपये का डिफरेंस नहीं है, सेम जमा निकासी हुआ है, कुछ पार्टी का छूट गया है, वो मर गया है तो बीवी बच्चा से मिल लिया जाएगा, और आगे से आगे की अगर आप ये बोल रहे हैं कि बीवी बच्चा से नहीं मिला आ रहा है या सहमति हो रहा, तो उनसे आगे से कन्फर्म करके हर एक स्टाफ जो फील्ड ऑफिसर मिले हैं उसे कन्फर्म कर लेंगे कि आगे से पार्टी से मिलकर ही उनको सहमति से आगे काम करना है। जो गलती हुई है क्या अधिक जिन अधिकारी के कारण है, सब बिना जानकारी के अपडेट हुआ है क्या उनका से पार्टी कहीं भी या ना अधिकारी पर लिया ना बैंक अधिकारी पर लिया है, आप इसको ना तो गलती मानते हैं ना? नहीं गलती ये नहीं है, हाँ ये है कि सहमति छूट गया सहमति ले लिया जाएगा उससे, ऐसे जो सहमति छूट गया है वो दोबारा हम भेजेंगे, जो आप कुछ हमको नाम दीजिएगा उसके हम घर लोग को भेजेंगे। गलती फील अफसर क्या गलती मानने छूट गया है मान रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसी आदमी के बाद हम लोग दोबारा भेजेंगे फील अफसर को और सहमति ले लिया जाएगा उससे, कंप्यूटर ब्याज मार रहा है, मेरा कोई रोल नहीं, संदीप सिन्हा नाम है, बात सुन लो।